नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो कनाडा स्टूडेंट वीजा को लेके इस चैनल के ऊपर रेगुलर बेस पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कनाडा के साथ साथ और भी कंट्री की जो अपडेट आती है वो भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। और सब्सक्रिप्शन के बाद अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच रहे हैं, स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं 9041090040। अगर कनाडा का रिजेक्शन आ चुका है, आप एक बार अपना प्रोफाइल जरूर डिस्कस करें। और आज की हमारी वीडियो भी इसके रिगार्डिंग है। हम तीन कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट की तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से देखने के लिए आई है, जो रिफ्यूजल का रीजन बनी है, उसके ऊपर बात करें। कौन से वो तीन कॉमन रीजन है जिसकी वजह से जो है रिजेक्शन आ रही है, जो रिजेक्शन बच्चों को फेस करनी पड़ती है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, इन तीनों रीजन को। सो इसके ऊपर वीडियो रहेगी। सो सबसे पहले तीन रीजन है, तो पहला रीजन मैं लैंग्वेज एबिलिटी की बात करूंगा, मीन टू से आई स्कोर, लो आई स्कोर की वजह से भी रिफ्यूजल आती है। अब लो आई स्कोर की एक डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन है, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपने प्लस टू की है, वैसे तो 6 ईच को टारगेट करें, उसको हम अच्छा स्कोर मानेंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं एक में 5.5 रहते हैं तो यस आप लगा सकते हैं, लेकिन जब 2 में 5.5 है, जब पीटी का स्कोर आपका ओवरऑल 55 से कम है या किसी में 50 से कम है, तो वहां पे 51 से कम है, तो वहां पे आप जानबूझ के रिजेक्शन लेने की तरफ जा रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं अपनी एप्लीकेशन लगाने में। 100 में से 1-2 केस निकल भी जाते हैं, लेकिन हाईली देखने के लिए आएगी ऐसे प्रोफाइल जिनका लो इंग्लिश स्कोर होता है, वहां रिजेक्शन ज्यादा आती है रेदर देन वीजा अप्रूवल्स, क्योंकि डिपेंड करता है कोर्स सिलेक्शन के ऊपर भी, जो कि हमारा दूसरा रीजन है। सो दूसरा सबसे कॉमन रीजन आता है कोर्स सिलेक्शन, कोर्स का लेवल भी और सही रेलिवेंट कोर्स भी। काफी देखने के लिए आया है कि बच्चे मोस्टली क्या होता है कि जब बच्चे एप्लीकेशन लगाने जाते हैं, कंसल्टेंट गाइड करते हैं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप बिजनेस का कोर्स ले लें, ये देखे बिना कि उस बच्चे के बिजनेस अगर उसने सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसमें मार्क्स कितने हैं। ऐसा देखने के लिए आया है कि जब आप स्पेशल कोर्स लेते हैं, ऐसे बिजनेस का कोर्स लिया, कॉमर्स स्टूडेंट है, बिजनेस में आपके मार्क्स सही नहीं थे, या अकाउंट का आपने कोर्स लिया, अकाउंट में सही नहीं थे, ये भी चीजें देखनी होती है। सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, या तो मैं अकाउंट ले लूं या बिजनेस ले लूं, कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपका स्ट्रांग क्या था उसको आप लें। अगर दोनों स्ट्रांग है तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लगता है कि एक सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ पे मेरी एडवाइस, स्पेशली अगर आपके आज में 1.5 है, हाईएस्ट जो स्ट्रांग आपका कोर्स है, स्ट्रांग आपका सब्जेक्ट है, उसी के रिलेटेड अगला कोर्स ले। और लेवल ऑफ कोर्स, कोर्स के लेवल को लेके अभी भी गलतियां हो रही है, बच्चे को बहुत हम अवेयर करते हैं लेकिन फिर भी बच्चे समझते नहीं है। प्रैक्टिकली देखें, जो आपका कोर्स आपने चूज किया उसकी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उसके एंट्री लेवल की रिक्वायरमेंट देखें। अगर वो सेकेंडरी लेवल का कोर्स है, मीन टू से यूजी प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आपने यहाँ ग्रेजुएशन ना की हो। ऐसा देखने के लिए आया कि लेवल, जो कोर्स का लेवल होता है, उसमें भी बच्चे गलती करते हैं कि वो बैचलर ले चुके हैं, पहले यहाँ बैचलर की हुई है, दोबारा से बैचलर ले रहे हैं, वहां पर दिक्कत आएगी। यूजी प्रोग्राम ले रहे हैं आप, पीजी प्रोग्राम या मास्टर ही ऑप्ट करें अगर ग्रेजुएशन की है, प्लस टू लेवल है तो आपको यूजी प्रोग्राम या बैचलर तक एडमिशन मिल सकती है। तो अपने कोर्स का जो लेवल है ये भी जरूर देखें, क्योंकि जब आप प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी देते हैं तो ये भी एक रीजन आ रहा है रिफ्यूजल में कि आपकी स्टडी में कोई नया कुछ नहीं सीख रहे, प्रोग्रेशन कुछ नहीं हो रही, वही आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही आप दोबारा से पढ़ने जा रहे हो इतनी हाई फीस पे करके, तो वहां उनको जस्टिफाई नहीं हो पाता। तीसरा एक रीजन है आपका, जिसमें एक रीजन लिखा होता है कि आपने वापस नहीं आना। सो ये क्यों आता है कॉमनली रीजन, हालांकि आप GCMS नोट्स अप्लाई करते हैं, जिसको KFS नोट भी कहते हैं, उसमें आपको डिटेल में एक पैराग्राफ में दिया होता है, लेकिन इसमें भी कॉमन रीजन होता है जिसको आप अप्रूव कर सकते हो, जिसको आप इम्प्रूव करके फाइल लगा सकते हो, वो होता है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देखिए, जब आपने वापस नहीं है, ऐसा रीजन लगता है, तो कहीं ना कहीं उनको जो आपकी स्टेटमेंट पर्पस है वो भी एक रीजन होता है कि आपने वही क्लैरिफाई करना है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, आपकी स्टडी की बैकग्राउंड क्या थी, इतनी फीस पे करने के बाद फ्यूचर के आपके प्लान क्या है, ये सारी जस्टिफिकेशन अगर आप SOP में करते हैं तो वीजा आते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि जिनके ये पहले, अगर बात कर ले, अगर रेलिवेंसी को लेके दिक्कत आ रही थी, पूरा मैच नहीं है कोर्स, थोड़ा बहुत मैच था, आज में भी स्कोर क्या कम थे, उनकी SOP की वजह से भी उनको वीजा मिला। तो कहीं ना कहीं पहले दो जो रीजन थे वो ओवरकम हो जाते हैं अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत अच्छे तरीके से आपने किया हो, अच्छे तरीके से खुद भी पढ़े, चाहे आप कंसल्टेंट की हेल्प ले
रहे हैं, तो मेरी एडवाइस रहती है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगाएं जरूर। अगर लग रही है तो आप खुद भी पढ़ें, तो आप पढ़ें ऐसे कि एज ए वीजा ऑफिसर, के वीजा ऑफिसर को जो आपका प्रोफाइल है क्या वो क्लियर हो रहा है। सो ये तीन कॉमन रीजन थे जिसकी वजह से रिजेक्शन आ रही है। अगर आप इस पे काम करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली आपके वीजा के चांसेस इंक्रीज होते हैं, स्पेशली जिनका ऑलरेडी एक रिफ्यूजल आ चुका है। तो रिफ्यूजल आइडेंटिफाई जरूर कर लें। अगर समझ में नहीं आ रहा रीजन, आप वीजा ऑफिसर की टीम को भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। हमारा नंबर है 9041090410। अगर वीजा के चांसेस होंगे तो ही हमारी टीम आपको कनाडा के लिए ओके कहेगी, नहीं तो आपको सीधा बता दें, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है, कई प्रोफाइल के गैप इतना ज्यादा पड़ चुका होता है कि उनको अब कनाडा छोड़ के और कंट्री यूके या और कंट्री जो भी अवेलेबल होती है वो ऑप्ट भी करनी पड़ती है। बाकी फर्दर आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप वीजा ऑफिसर की टीम को नंबर डिस्प्ले हो रहा है, जहां हमारी वेबसाइट है tvustudy.com, आप वेबसाइट पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वीडियो काउंसलिंग के जरिए। सो आज के दोस्तों इतना ही, और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके इसी चैनल पे मैं आता रहूंगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो आज के लिए ज्यादा चाहेंगे, नमस्कार।